हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आज मैं आपको क्लीनअप बताने वाली हूँ कि क्लीनअप के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने क्लीनअप के लिए स्क्रब, क्रीम और पैक लिया हुआ है, ब्लैकहेड्स रिमूवर है और जो भी नेसेसरी सामान है वो मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर क्लाइंट है और ये तीनों सामान इस तरीके से आपको बाउल में निकाल लेना है। बाउल में निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको कैसे यूज़ करना है, पहले अपने फिंगर्स में ले लेना है आपको सामान को और फिर उसके बाद अपने हथेलियों में इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ने के बाद आपको चीक से या नेक एरिया से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, क्लिंजर लिया हुआ है, क्लिंजिंग मिल्क जिसको बोलते हैं। इसको आपको सबसे पहले पूरे फेस में इस तरीके से लगाने के बाद अच्छे से इसको मसाज करना है। मसाज इसलिए करना है स्टार्ट करने के लिए क्योंकि जो भी हमारे फेस में डर्ट हो और गंदगी हो वो सब हमारे फेस में निकल आए। और क्लाइंट अगर कुछ मेकअप भी किया हुआ है या इवन अगर क्लाइंट अपना हेयर फेस वॉश करके भी आया है तो भी आपको उसके एक बार क्लिंजिंग से उसको आपको क्लीन करना है और उसके बाद आपको अपने बाकी के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्लीनअप करने का मतलब क्या होता है, क्लीनअप से क्या फ़ायदे होते हैं और आपको क्लीनअप क्यों करना चाहिए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्क्रब का पार्ट करते हैं। तो आप जो भी बाउल में इस तरीके से निकाल के रखेंगे पहले फेस में और नेक में अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग को यहाँ पर अच्छी तरीके से नेक के एरिया में आस पास में अच्छे से आपको मसाज कर लेना है। क्लाइंट को एक टॉवल डालना ना भूले ताकि उनकी ड्रेस गंदी ना हो। आप फेशियल बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है। अब आपको क्या करना है, आपको स्क्रब जो होता है उसे बहुत ज़्यादा फेस में रगड़ रगड़ के नहीं करना है, नॉर्मल लाइट हाथों से करना है। और दूसरी बात होती है कि आपके क्लाइंट की एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको मसाज का स्ट्रोक कम ज़्यादा या फिर प्रेशर कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने नेक से स्टार्ट किया नीचे, फिर नेक के एरिया पे आई, फिर यहाँ पे मैंने चीक बोन से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे धीरे धीरे से धीरे धीरे इसमें चीक के एरिया पे गई और इस तरीके से आपको अपवर्ड की तरफ मसाज करते जाना है। ये मसाज 5 से 6 मिनट का होना चाहिए। फेशियल और क्लीनअप के जो स्टेप्स होते हैं मसाज के वो सिमिलर ही होते हैं बट थोड़े बहुत से चेंजेस होते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा हैवी हाथों से मसाज नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखते रहिए कि मैं कैसे मसाज कर रही हूँ, फिर हम नोज़ एरिया को कवर करेंगे। ये स्क्रब है जैसे कि मैंने बताया, तो बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के आपको मसाज नहीं करनी है, आराम आराम से करना है। फिर हम फोरहेड एरिया पे आ जाएंगे और इस तरीके से जैसे अपने फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का सा घिसेंगे और ताकि जो भी हमारे डेड स्किन है वो ओपन हो जाए और हमारे पोर्सेस ओपन हो जाए और एक फेस में एक अच्छा सा ग्लो निखर के आए हमारे। क्लीनअप करने का मतलब गाइस ये होता है कि क्लीनअप जो होता है हमारे स्किन को क्लीन करने का काम करता है। फेशियल अलग चीज़ हो जाती है और क्लीनअप अलग चीज़ हो जाती है। मीन्स आप बोल सकते हो एक ही फैमिली से ये बिलोंग करते हैं और बट दोनों के रिजल्ट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। बट हाँ, क्लीनअप के बाद भी ग्लो आता है फेस पे अच्छा, तो क्लीनअप भी करना ज़रूरी होता है फेस पे एज़ कम्पेयर टू फेशियल। आपको ऑप्शनल है, आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको फेशियल करना है कि क्लीनअप करना है। अब यहाँ पर ना मैं चीक्स पे थोड़े अच्छे से मसाज कर रही हूँ क्योंकि हमारा चीक बोन है ये, जो देखो मैं इस तरीके से वी जैसे शेप बनाते हुए उसको मैं राउंड राउंड करते जा रही हूँ ताकि हमारे चीक बोन्स पे ग्लो आए। तो लास्ट में आप देखेंगे बहुत अच्छा ग्लो आता है इनके फेस पे। और अब उसके बाद हम यहाँ पे अपने पाम पे और बचे हुए ये स्क्रब को लगाएंगे और उसके बाद इस तरीके से रिलैक्सिंग मूवमेंट पे आके क्लाइंट के फेस पे यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट दबा देंगे। अब आईब्रो एरिया को इस तरीके से डाउनवर्ड्स की तरफ करेंगे, ये भी हमारा एक रिलैक्सिंग मोमेंट होता है, क्लाइंट को अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है क्लाइंट को। अब उसके बाद है ना आपको क्या करना है, इसको अच्छे से क्लीन करके निकाल लेना है। आप बाउल भी ले सकते हो, मेरा बाउल नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे मग यूज़ किया हुआ है ताकि आपको स्क्रब करने के बाद स्पंज से या फिर कोई कॉटन का रुमाल भी आप लेके इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। आपको ऑप्शनल है, पानी आपको साथ में लेना ही है ताकि आप अच्छे से
जो भी एप्लीकेशन आपने किया हुआ है, मसाज किया हुआ है स्क्रब का, उसको आप अच्छे से रिमूव कर सके तो, और उसके बाद आप सेकंड स्टेप करेंगे। तो गाइस क्लीनअप का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। क्लीनअप के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं हमारे स्किन पे, जैसे कि हमारी स्किन टैन हो गई है और हमारा अनइवन स्किन दिख रहा है, डैमेज हो गई है स्किन, डर्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या फिर आप गांव से आ रहे हैं तो स्किन अलग टोन में हो जा रही है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है हमारा क्लीनअप करने का। तो क्लीनअप आप बेसिकली 20 दिन के बाद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्रीम लिया हुआ है, क्रीम और पैक बचा है, तो मैंने गलती से आपको पैक दिखा दिया। तो यहाँ पर अभी इस तरीके से अपने हाथ में एक बार क्रीम को रब कर लेना है, उसके बाद आप क्लाइंट के फेस में लगाएं। जैसे कि हमने स्क्रब की मसाज की थी वैसे सेम उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स हमारे अलग होंगे। तो अगर आप नए हैं गाइस तो प्लीज़ वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत सारे अपलोडेड हैं, तो आप मेरे चैनल को और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉरी एक्चुअली ये मैंने स्टैंड पर लगाया हुआ था और गिर गया हल्का सा फ़ोन। तो यहाँ पर आपको सेम इस तरीके से स्टार्ट करना है और नेक के ऊपर आने के बाद आपको चिन एरिया को कवर करना है इस तरीके से, वी जैसा हैंड बनाने फिंगर्स आपको क्रिएट करके, फिर उसके बाद चीक बोन्स को हम मसाज करेंगे इस तरीके से, फिर नोज़ एरिया को कवर करेंगे। यहाँ पर हमारा अच्छे से क्रीम एप्लीकेशन करते जाना है, क्रीम बहुत अच्छे से लेना है गाइस, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा क्रीम नहीं लेके आपको मसाज करना है कि रोज़ वाटर के भरोसे मसाज करें, आपको अच्छे से क्रीम लेनी है और उसके बाद आपको इस तरीके से फिर राउंड करना है, और क्या नाम है, आपको इस तरीके से करते हुए चीक्स पे आप देख सकते हो कि हम कितने अच्छे से मसाज कर रहे हैं। तो गाइस दूसरी चीज़ ये होती है, आप जितने भी वीडियोस देखेंगे या जितने भी पार्लर में विज़िट करेंगे तो हर किसी का ना मसाज करने का स्टेप्स जो होता है ना कुछ कुछ अलग होता है, तो डोंट वरी, हर पार्लर का अलग रूल होता है, हर क्लीनअप या हर फेशियल करने वाले का, हर एकेडमी का सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। अभी हर चीज़ एडवांस हो गई है तो लोग अपना तरीका, अपना कुछ नया ऐड करते हैं ग्लो आने के लिए, मसाज में भी बहुत कुछ एडवांस कर दिया है, तो वो सबका तरीका होता है। तो जैसे कि हमने स्क्रबिंग के टाइम पे किया हुआ था सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे फोरहेड को क्लियर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम फोरहेड्स को क्लीन करके अब ये जो हम आई एरिया पे राउंड कर रहे हैं ये हमारा रिलैक्सिंग मोमेंट होगा। क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है, और आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है क्लीनअप या फेशियल करने के टाइम पे कि ताकि क्लाइंट को अच्छा फील हो सके, लाइट फील हो सके, रिलैक्स लगे उनको और स्ट्रेस फ्री लगे उनको। तो यहाँ पे इस तरीके से फिर से फोरहेड एरिया पे मैं राउंड कर रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आते जाएंगे और फिर से राउंड ए करेंगे और नीचे आते जाएंगे, आई एरिया पे फिर से मसाज करेंगे, और हमारा मसाज समझिए हो गया है मोस्टली। तो आप अभी जैसे कि आप जब प्रोफेशनल हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो आपको स्टेप्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अटकते नहीं हैं, आप धड़ाधड़ अपना क्लीनअप अपना फेशियल करते जाते हैं। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्लीनअप करना बहुत आसान है गाइस, दो चार बार की प्रैक्टिस है और स्टेप्स याद करने की ज़रूरत होती है। फिर हम चीक बोन्स पे अच्छे से मसाज करेंगे, बाद में हम फिर से अपने पाम का यूज़ करेंगे और अच्छे से चीक्स वाले एरिया पे मसाज करेंगे, प्रेशर पॉइंट को प्रेस करते जाएंगे ताकि क्लाइंट को अच्छा फील हो सके इस तरीके से। और उसके बाद अब यहाँ पर हम ये देखिए मैं 4 से 5 बार प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर रही हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा आईब्रोज़ को प्रेस करें, फिर से प्रेशर पॉइंट को प्रेस करें, और यहाँ पर हमारा क्लीनअप का स्टेप्स भी हो चुका है। तो अब हमें करना है क्या, क्लाइंट को अभी हमें इनको स्टीम देना है, स्टीम बहुत ज़रूरी होती है गाइस, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आपको स्टीम क्रीम के बाद देनी है या स्टीम इसके स्क्रब के बाद देनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैं बेसिकली जब भी स्टीम देती हूँ क्लाइंट को, तो जब मेरा क्रीम वाला एप्लीकेशन हो जाता है, मसाज हो जाता है, उसके बाद देते हैं हम। तो अभी यहाँ पर हमने स्टीम यूज़ किया हुआ है, जो हैंड स्टीमर आता है इसको हम यूज़ कर रहे हैं, और इस तरीके से हीट पर रख देना है आपको मसाज करते करते ही, और
क्लाइंट को 5 से 6 मिनट के लिए आपको अच्छे से स्टीम देना है पूरे फेस में। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी डेड स्किन होगी वो ओपन हो जाती है और जो भी हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो फूल के निकल आते हैं, ऊपर हो जाते हैं और हमें स्टीम को ब्लैक हेड्स रिमूवर से रिमूव करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर इनको अच्छे से स्टीम देने के बाद हम आगे का प्रोसेस आपको वीडियो में दिखाएंगे कंटिन्यू। वीडियो देखते देखते प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपको अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, आपको सिखाने के लिए ये सारे वीडियोस बनाते हैं और एक्चुअली वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है अपने क्लाइंट्स के सामने एक्सप्लेन करना और क्लाइंट्स के सामने हर चीज़ें बताना और उसके बाद वीडियो पर ध्यान देना, ध्यान पूरा कैमरा पर होना, उसके साथ साथ अपना काम करना। तो यहाँ पर स्टीम हो गया था मेरा, तो जस्ट 2 मिनट के लिए जो भी हमारी क्रीम बची हुई होती है हमारे बाउल में, तो इस तरीके से क्लाइंट के बैक मसाज थोड़ा सा करके अगर आप देंगे तो क्लाइंट को भी बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है क्लाइंट को और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ चलो हमारा पैसा कहीं पर अच्छा गया है और अच्छा वसूल हुआ है। तो आपको ये ज़रूर करके देना है, जस्ट 1 मिनट का मसाज आपको बैक का भी इस तरीके से आपको देना है क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट आपका खुश हो जाए। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, क्लाइंट्स के ब्लैक हेड्स रिमूव्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, हमने एस्ट्रिंजेंट लोशन लिया हुआ है जो जिसको हम एस्ट्रिंजेंट लोशन बोलते हैं, और 2 कॉटन लेना है। 1 कॉटन में आपको लोशन लगा लेना है, 2 कॉटन में आपको सादा रखना है, आपको खाली रखना है। इस तरीके से अपवर्ड की तरफ आपको नोज़ एरिया में, चीक एरिया में इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आपको ब्लैक हेड्स को, जो फूले हुए हमारे ब्लैक हेड्स रहते हैं उसको रिमूव कर लेना है, रिमूव करना है अच्छे से, ताकि जो आपके नोज़ एरिया में जो गंदगी रहती है वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स वो सारे रिमूव हो जाए और जो खाली वाला कॉटन है उसमें आपको अच्छे से पोंछ देना है। अभी बहुत सारे क्लाइंट्स को पिंपल्स होते हैं, तो जब हम ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके पिंपल्स को भी हमें फोड़ना पड़ता है, ताकि वो पिंपल्स में भी जो गंदगी है, पस है, वो सब निकल जाए और आपके क्लाइंट को एक अच्छा सा लुक आ सके, ग्लो आ सके उनके फेस पे आफ्टर क्लीनअप। तो बेसिकली आपको इसके लिए ये यूज़ करने बोला जाता है। बहुत सारे पार्लर में स्किप भी किया जाता है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या करती हूँ, मैं फेशियल और क्लीनअप दोनों में क्लाइंट को स्टीम देती हूँ, ताकि एक अच्छा रिजल्ट आ सके, स्किन टाइट हो सके। स्टीम हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, बेनिफिट होता है हमारे स्किन पे। तो एक्चुअली ये वीडियो बनाते बनाते क्लाइंट्स, मुझे मोबाइल के स्टैंड पर भी ध्यान देना पड़ रहा था, जो वीडियो रिकॉर्ड हम कर रहे थे आसपास कोई था नहीं, तो मैं अकेले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए मुझे बार बार 1-2 बार कैमरा पर भी ध्यान देना पड़ रहा था कि वीडियो हमारी अच्छे से चल रही है कि नहीं। नहीं तो ऐसा होता कि पता चला कि मैं सब कुछ कर रही हूँ और आप रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है अच्छे से। तो ये एक्चुअली मुश्किल टास्क होता है एक, तो प्लीज़ इतनी मेहनत करने के लिए एक लाइक तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स या जो कुछ नए जो कोई सीख रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होती है अगर आप अच्छे से पूरी वीडियोज़ देखते हैं। नॉलेज हम अपनी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते बात आती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपका जब ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकाल के हो जाता है, उसके बाद आपको इस तरीके से फिर से स्पंज से या किसी कॉटन के कपड़े से आपको अच्छे से रिमूव कर लेना है। क्लाइंट को जो क्लाइंट का टॉवल दिया हुआ है उसी से आपको क्लाइंट के फेस को अच्छे से पोंछ लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अभी हम पैक लगाएंगे। पैक लगाने के बाद आपको 5 मिनट जैसा कि आपके क्लाइंट का फेस कब तक सूखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को उतने टाइम के लिए छोड़ दे, और जब आपका पैक सूख जाता है तो अच्छे से पैक को निकाल लेना है। तो अभी हम पैक एप्लीकेशन करेंगे। पैक एप्लीकेशन 10 मिनट तक आपको छोड़ना है और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ है। क्लाइंट की स्किन उनको फील होती है और आपको भी दिख के आता है कि हाँ बहुत अच्छा ग्लो आया हुआ है। और क्लाइंट को कुछ प्रिकॉशन भी बता दे कि घर जाने के बाद आपको कोई भी साबुन, सोप या फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करना है फेस पे। एक्चुअली ये इसलिए हम मना करते हैं कि इन केस कोई हार्मफुल जो सोप होते हैं और केमिकल वाले जो फेस वॉश वगैरह होते हैं, उससे कई बार क्या होता है क्लाइंट को पिंपल्स वगैरह आने का डर रहता है, तो फिर क्लाइंट आपको आके ब्लेम करते हैं कि आपने ऐसा किया, हमारा क्लीनअप किया, हमारा फेशियल किया, इसकी वजह से हमें पिम्पल्स या अभी हो रहा है। तो आपको वो क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए, आपको 1 दिन का प्रिकॉशन देना है क्लाइंट को,
उनको अच्छी चीज़ें बता के देनी है ताकि उनको लगे कि हाँ आपको बहुत सारी नॉलेज है फेशियल क्लीनअप और जो भी रिलेटेड। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ और भी डाले हैं, जैसे वैक्सिंग के, सेल्फ वैक्सिंग के, और उसके बाद क्लीनअप के, फेशियल के, और भी वीडियोज़ डाले हुए हैं पेडिक्योर के, तो हेयर कट के बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर एक बार लिंक देखिएगा, और मैं शॉर्ट्स वीडियोज़ भी हमेशा अपलोड करते रहती हूँ, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा ज़रूर। तो चलिए आगे ये बात करते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा फेस में जो बचे हुए आपके प्रोडक्ट रहेंगे उसको भी आपको अप्लाई कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर लिया है। रोज़ वाटर आप बहुत सारी कंपनी के आते हैं तो आप वो भी ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पे डाबर गुलाबरी का था, तो ये डाबर का भी मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि चलो ठीक है क्लाइंट को कुछ अच्छी चीज़ें हम देते हैं। इस तरीके से कॉटन पर आपको लेना है और लगा देना है क्लाइंट को। अब उसके बाद इसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपको छोड़ना है, और उसके बाद आपको इसको 10 मिनट होने के बाद आपको अच्छे से रिमूव कर देना है, और लास्ट में आपको क्लाइंट को, अभी ये 10 मिनट के बाद का मैंने आपको दिखाया, अब उसके बाद हम अच्छे से क्लाइंट को आप कुकुम्बर भी लगा सकते हैं नोज़ पे, पैक निकालने से पहले, क्योंकि पैक सूख जाता है, तो पहले स्पंज को गीला करके फेस पे टैप टैप टैप, तो आपको इस तरीके से गीला इसलिए करना है टैप टैप ताकि जो भी पैक सूख जाता है तो वो थोड़ा सा गीला हो जाए और उसको निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। डायरेक्ट अगर आप क्लाइंट के फेस पे खींचेंगे तो वो थोड़ा सा इरिटेट होता है, तो इस तरीके से क्लाइंट के फेस आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो कर रहा है अभी आफ्टर क्लीनअप। अब यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप होगा, क्लाइंट बाहर जाएगा क्लीनअप करा के आपके पास से, तो उनको एक प्रोटेक्शन के लिए आपको इसी फेस टोन को, जिसको हम एस्ट्रिंजेंट लोशन बोलते हैं, टोनर बोलते हैं, ये आपको क्लाइंट के फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देना है, और उसके बाद आपको क्लाइंट को बोलना है कि ठीक है अभी आप जा सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आगे मैं आपके लिए और कौन से वीडियोज़ डाल सकती हूँ उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, और फिर उसके बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पे बने रहें, थैंक यू।